आपको अहम खबर देंगे। ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन आशियाना इकबाल पाकिस्तान रेलवे में करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी जेरे इल्तवा हैं। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में दो रुकनी बेंच दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। उमर शाकिर से मजीद अपडेट्स लेंगे। उमर शाकिर बताइएगा इस हवाले से, आपको अपडेट करते चलें कि ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। मुख्तलिफ केसेस हैं जिनमें जो है ये दरख्वास्त जमानत के हवाले से आज समाअत होने जा रही है। इनमें पैरागॉन आशियाना इकबाल पाकिस्तान रेलवे में करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा हैं। उमर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर शाकिर, बड़े अहम केसेस हैं, जमानत मिलेगी या फिर कैंसिल हो जाएगी? ये तो अदालत फैसला करेगी कि ख्वाजा बरादरान को कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत में तोसी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तहम आज इससे मुतलिक समाअत जरूर होगी और ख्वाजा बरादरान कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत में अदालत के रूबरू पेश होंगे। अदालत ने दोनों भाइयों की कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत में आज तक तोसी कर रखी है और आज दरख्वास्त जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत के रूबरू दोनों भाई पेश होंगे और जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी की सरबराही में दो रुकनी बेंच समाअत करेगा। ख्वाजा बरादरान की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि नैब पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी इससे मुतालिक